सब्सक्राइब कीजिए विकेश टेक चैनल को और इस घंटे को भी दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं विकेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो दोस्तों वो केबीसी प्लेलॉन के ऊपर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो किड्स रजिस्ट्रेशन है उसकी टोटल जानकारी, आपका जितने सारे डाउट है आपके मन में, मैं इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को टोटल एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर एंड तक नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किड्स रजिस्ट्रेशन है क्या, तो पहले मैं आपको बता देने वाला हूँ कि इस किड्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके हर मोबाइल में, अगर आपको फ़ोन अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो सोनी लिव की एप्लीकेशन है उसे जाकर अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में, क्योंकि जो बग्स आ रहे थे, खेलने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे वो लोग फिक्स कर दिए। तो आप जाकर प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये किड्स रजिस्ट्रेशन है क्या इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी डाउट भी रहेगा आपके मन में, वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति इज नाउ यूपी फॉर दिस किड्स कॉन्टेस्ट या टिल सीजन, मतलब यहाँ पर आपको जो पहले हम लोग को ओल्ड एज और यंग एज बच्चों को मिलता था केबीसी में जाने का मौका, बट यहाँ पर देख सकते हैं नाउ केबीसी गेट्स आर ओपन फॉर किड्स ऑफ 10 to 14 ईयर्स एज। जिन बच्चों का उम्र 10 से 14 के अंदर में है वही बच्चे केबीसी में जा सकते हैं, हॉट सीट पर बैठ सकते हैं खेलने के लिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ 10 to 14 ईयर्स, बिकॉज ये 10 to 14 ईयर्स यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर जी ने खुद कहा है कि 10 से 14 साल के उम्र के बच्चे ही सिर्फ केबीसी में जा सकते हैं, वही रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर, इफ़ यू हैव टैलेंटेड किड योर नो समवन हु इज फुल ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर वो जनरल नॉलेज जीके का सबसे ज़्यादा उसकी जानकारी है, तो आप उससे अवश्य भेजें केबीसी रजिस्ट्रेशन करा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो रजिस्टर आप कर सकते हैं वो भी डायरेक्ट आपके जो एप्लीकेशन है सोनी लिव वहाँ पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो कब होगा, वो 2 तारीख को ओपन होने वाला है। तो केबीसी गेट्स आर ओपन फॉर 10 to 14 ईयर्स ओल्ड किड्स, और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि उन्हें भी मौका मिल रहा है कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए। ठीक है, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो जाओ, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो केबीसी किड्स रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो डायरेक्ट आपको सोनी लिव के एप्लीकेशन जो है उसी के अंदर में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो कितने तारीख को करना पड़ेगा, 2 तारीख को। और ये 10 से 14 साल का, जब यहाँ देख सकते हैं केबीसी किड्स स्पेशल रजिस्ट्रेशन एज लिमिट 10 से 14, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 10 से 14, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 10 से 14 मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से ही यहाँ पर लिया जाएगा। अगर आप भूल अगर बैठा दे रहे हैं, नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और मैं कुछ और देकर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपका जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आप छट बाद हो जाए, मतलब वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो रियल डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आप दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर गलत देकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, लास्ट में आपको छट जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सोनी लिव के एप्लीकेशन को ज़रूर अपडेट कर लीजिए। अगर मन में अभी कुछ डाउट है कि हम मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो दोस्तों शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके बच्चे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे का मैं भेजना चाहता हूँ, तो उसके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इस वीडियो को मोटा मोटी दोस्तों 1000 लाइक्स कर दीजिए कैसे भी, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केबीसी से रिलेटेड हर आपको जानकारी मिलती रहती है इस चैनल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।